दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के संडे मैराथन रात के 8 बजे के आज के श्रृंखला में। जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि हम हर संडे आपको अभी फ़िलहाल वीडियो दे रहे हैं और देंगे, और धीरे धीरे फिर हम लोग जब रन पकड़ेंगे तो अपने सीरीज में आ जाएंगे। तो चलिए आज के इस संडे में प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ जाएगा तो लाइक शेयर के साथ आगे बढ़ा दीजिएगा, दोस्तों को जोड़िएगा। तो पहला प्रश्न हमारा है, अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने संगीतकारों का उल्लेख किया? ठीक है, हमारा ऑप्शन है 21, 32, 35 और 36। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत हो चुकी है और उत्तर की शुरुआत आपसे शुरू हो जानी चाहिए। पहला प्रश्न है कि अबुल फजल साहब ने आईने अकबरी में कितने संगीतकारों का उल्लेख किया, जो उन्होंने बुक लिखी थी आईने अकबरी उसमें। तो हमारा पहला प्रश्न है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा आपका डी, 36 संगीतकारों का उन्होंने उल्लेख किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन का है वो कह रहा है कि मिथुन नामक कलाकृति किसकी बनाई है? ठीक है, मिथुन नामक कलाकृति जो है इनमें से किस कलाकार के द्वारा बनाई हुई है? डीपी राय चौधरी के द्वारा, सोमनाथ होर के द्वारा, सरवरी राय चौधरी या धनराज भगत? ठीक है, तो इनमें से किन के द्वारा बनाई गई है मिथुन नामक कलाकृति? तो हमारे दूसरे प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो मित्रों वो हो जाएगा बी, सोमनाथ होर के द्वारा बनाया गया है ये। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन का है वो आपके सामने है और प्रश्न हमारा कह रहा है, पाब्लो पिकासो के पिंक पीरियड के समय का काल था, पाब्लो पिकासो के जो पिंक पीरियड के समय का काल था वो 1902 से 1904 था, 1904 से 1905 था, 1905 से 1906 या 1906 से 1908। मतलब पाब्लो पिकासो के तीन पीरियड थे, उनमें से एक पीरियड जो था वो पिंक पीरियड था, वो किस सन से किस सन के बीच वो पीरियड कहा जाता था ये पूछ रहा है हमारा। ठीक है, तो आज आपके 15 क्वेश्चन हमने लिए हैं, आज आपके 15 क्वेश्चन मेंशन किए हमने और आशा करते हैं ये 15 क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी, 1905 से 1906। अगला बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन का आज मैराथन संडे में है वो है, विख्यात रचनाकार राजशेखर किसके दरबार में थे? विख्यात रचनाकार थे जिनका नाम था राजशेखर और वो किसके दरबार में वो रचनाकार मौजूद थे अपने समय में? महेंद्र पाल के, उपेंद्र पाल के, हर्षवर्धन के या बिंबिसार के? ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, महेंद्र पाल के। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है वो है हमारा प्रश्न और वो प्रश्न हमारा ये कह रहा है, कांच की चमक चढ़ाने की शुरुआत जो हुई थी वो किस काल में हुई थी? ठीक है, कांच के चमक चढ़ाने के लिए, जो कांच की चमक को चढ़ाने की जो स्टार्टिंग हुई थी वो कौन से काल से हुई थी? आधुनिक काल से, पाषाण काल से, ऐतिहासिक काल से या सिंधु काल से? ठीक है, तो साथियों बिल्कुल सपोर्ट बनाए रखिएगा, बने रहिएगा वीडियो पे, जैसे कि आज तक बने रहे हैं और आपने हिम्मत रखा है, आपके कमेंट से पता चला कि आज तक बने हुए हैं और जो लोग उम्मीदें छोड़ दिए थे वो ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि उम्मीदें छोड़ने से कामयाबी नहीं मिलती है, बने रहने से मिलती है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा सिंधु काल। कौन से काल? सिंधु काल। अगला जो प्रश्न है आज के इस मैराथन का वो कह रहा है कि द मैटरनिटी नामक मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन है? मूर्ति शिल्प का नाम है द मैटरनिटी, ठीक है, और पूछ रहा है इसके मूर्तिकार कौन हैं जिन्होंने इनको बनाया है, इस मूर्ति को? अनीश कपूर, विमान सुंदरम, चंद्र प्रकाश
या रघुनाथ महापात्रा। तो जो पुराने हम लोग के फॉर्म भरे जा चुके हैं टीजीटी पीजीटी के, वो काफ़ी लंबा अरसा हो गया, अच्छा खासा, लेकिन उम्मीद है कि अब जो वोटिंग ख़त्म हो चुकी है, हो सकता है सरकार जो भी आए या फिर जो है वो आए, उम्मीद है कि इस बार हम लोग की भर्तियाँ अच्छी होंगी और बेहतर होंगी। और इसी आशा के साथ हम लोग अपनी तैयारी को फिर से एक मकाम पे ले चलते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न का जो है ये सही जवाब आपका हो जाएगा सी, चंद्र प्रकाश। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है स्क्रीन पे वो कह रहा है कि पूर्व पाषाण काल के लोग इनमें से किससे परिचित नहीं थे। ध्यान से देखिएगा, परिचित नहीं थे, पूर्व पाषाण काल के जो इंसान थे वो परिचित नहीं थे मृदभाण से, औजार से, आखेट से या नदी से, ठीक है। तो ये हमारा अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का। तो पूरा पूर्व पाषाण पूर्व पाषाण काल के जो लोग थे वो भली भांति जो है परिचित नहीं थे किसी चीज़ से, तो वो चीज़ कौन थी इन ऑप्शन में से? तो मित्रों वो थी मृदभाण, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कहना है कि तुजुक ए आशफी, ध्यान दीजिएगा, तुजुक ए आशफी एक ग्रंथ है और ये चित्रित किया गया ये ग्रंथ कहाँ, किस जगह पे, ये हमारा प्रश्न है। तो मैराथन संडे का आज 15 का 15 क्वेश्चन है, आज हमने 15 क्वेश्चन मेंशन किया है और बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन मेंशन किए हैं, आशा करते हैं अच्छे लगेंगे, अच्छे कमेंट्स होंगे और सपोर्ट बिल्कुल शेयर लाइक के साथ आपका आगे बढ़ता रहेगा। तो तुजु के आशफी ग्रंथ इनमें से कहाँ चित्रित हुआ, मालवा, बीजापुर, गोलकुंडा या अहमदनगर, ये हमारा प्रश्न है। और हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब है मित्रों वो हो जाएगा सी, गोलकुंडा। कहाँ पे? गोलकुंडा। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो कह रहा है हमारा प्रश्न, ग्रिफिथ महोदय ने अजंता के किस चित्र को सबसे प्राचीन कहा। कला इतिहासकार ग्रिफिथ महोदय ने अजंता के जिस चित्र को सबसे प्राचीन कहा वो चित्र इन ऑप्शनों में से कौन सा है? छंदत जातक कथा को उन्होंने सबसे प्राचीन कहा अजंता के, दो नाग पुरुष जो थे उनको कहा, स्तूप पूजा जो उसमें है चित्र में वो कहा, या अशीन नगरी इसको कहा। तो इनमें से किस चित्र को, चित्र है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में चित्र शब्द इस्तेमाल किया गया, ग्रिफिथ महोदय ने अजंता के किस चित्र को सबसे पुराना कहा था इसमें से? तो मित्रों वो था आशीन नगरी। कौन था? आशीन नगरी, किनके अनुसार? ग्रिफिथ महोदय के अनुसार। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है स्वान नामक चित्र श्रृंखला इनमें से किसका, किसने बनाई है स्वान, ठीक है। ये एक चित्र श्रृंखला है जिसमें एक से अधिक चित्र होंगे, ठीक है, एक से अधिक मतलब वो चित्र श्रृंखला कहलाएगी। और इसके रचनाकार, इसके कलाकार, इसके कर्ता धर्ता कौन है पूछ रहा है, दीपक शिंदे, जगमोहन मथोड़िया, लक्ष्मण एले या जय झरोठिया, ठीक है। तो इनमें से वो कौन कलाकार हैं जिन्होंने स्वान नामक चित्र श्रृंखला बनाई है, ये हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन का है। और इस प्रश्न का सही जवाब है आपका बी, जगमोहन मथोड़िया। तो फटाफट प्रश्नों के उत्तर देते जाएंगे, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, इससे आपको पढ़ने में फ़ायदा होगा, आसानी होगी, समय कम लगेगा और अच्छा रिस्पांस भी आपकी तैयारी का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन से काल में गांवों को कुर्रम कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, कुर्रम गांव जो थे उस काल के उनको कुर्रम कहा जाता था, तो वो कौन सा काल था जिसमें वहां के गांव को कुर्रम शब्द से पुकारा जाता था, चालुक्य काल में, राष्ट्रकूट काल में, गुप्त काल में या मौर्य काल में, किस काल में, ठीक है। कह रहा है कि कुर्रम कहा जाता था गांवों को किस काल में,
ये प्रश्न है आपका, बेहतर प्रश्न है, शानदार प्रश्न है और आशा करते हैं कि आपको पसंद भी आएंगे। तो हमारा ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रकूट काल में। ठीक है, किस काल में? राष्ट्रकूट काल में हमारे जो है इनको कहा जाता था कुर्रम। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है, उसका राइट आंसर ये हो जाएगा चालुक्य काल में। हमने थोड़ी देर पहले इसको बोला था राष्ट्रकूट काल, जबकि ये नहीं है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान हट गया है मेरा क्वेश्चन से, तो चालुक्य काल हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रकूट नहीं होगा, चालुक्य होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है वो देखिए क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी। जो प्राग ऐतिहासिक चित्र हैं उसकी जो सबसे खास बात थी, सबसे महत्वपूर्ण बात थी, या कह लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी उनकी क्या थी, पूछ रहा है। ठीक है, क्या चित्रों के रंग जो थे महत्वपूर्ण थे, उनके चित्रों के जो धरातल थे वो महत्वपूर्ण थे, चित्रों की जो रेखाएं थी वो महत्वपूर्ण थी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हमारा अगला प्रश्न जो स्क्रीन पे आपके है वो पूछ रहा है, और इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों सी, चित्रों की जो रेखाएं थी प्रागैतिहासिक काल की वो सबसे महत्वपूर्ण थी। और आपको पता ही है कि वहाँ प्रागैतिहासिक काल में ऐसे ऐसे या ऐसे करके चित्रों के माध्यम से हमारे जो भी मतलब चित्र बने हैं, इस तरह चित्रों के माध्यम से पशु पक्षियों को भी इस तरह से चित्र के माध्यम से इस तरह से अजीब से करके मतलब दर्शाया गया है। तो इसलिए चित्रों की जो रेखाएं थी वही सबसे महत्वपूर्ण मानी गई उसमें। अगला जो प्रश्न स्क्रीन पे है वो कह रहा है, वास्तु निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ। वास्तु निर्माण की जो कला थी उसका जो विकास हुआ वो किस काल की देन है। पूर्व पाषाण काल की, उत्तर पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, या आधुनिक काल की, यानी वास्तु कला के निर्माण का विकास किस काल में हुआ था, ये हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। संडे मैराथन रात के 8 बजे की इस वीडियो श्रृंखला में, और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा उत्तर पाषाण काल में। किसमें? उत्तर पाषाण काल में। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे है वो है आपका ये, राजस्थानी शैली में राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले राजस्थानी शैली में कौन से शख्स इनमें से थे। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और ये कभी भी एग्जामिनर के दिमाग में आएगा और पूछ देगा वो। तो कर्नल टाड ने, ई वी हैवेल ने, राय कृष्णदास ने, या आनंद कुमार स्वामी ने, किसने राजस्थानी शैली में जो राजस्थान शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कर्नल टाड ने किया था। ठीक है, और चलिए वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने बताया था आपको 15 क्वेश्चन रखा है मैंने, तो ये 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मौजूद है, और आखिरी क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का पूछ रहा है इस संडे मैराथन के, कि शिमला के कालीबाड़ी मंदिर के दीवारों पर किस कलाकार ने माँ दुर्गा के 10 महाविद्या के चित्र उतारे हैं। कालीबाड़ी मंदिर की दीवार है शिमला के, वहाँ पे माँ दुर्गा के 10 महाविद्या के चित्र उतारे गए हैं। देखिए कितनी बातें इसमें मौजूद हैं। सबसे पहले तो कालीबाड़ी की मंदिर है, उसकी दीवार है कहाँ है, शिमला में, और उस पे जो चित्र बने हैं वो माँ दुर्गा के 10 महाविद्या के बने हैं, वो चित्र जो उकेरे गए हैं। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बना हुआ है, जिसको आप ध्यान रखेंगे तो हो सकता है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाए कभी। तो सतीश गुजराल ने बनाया, केजी सुब्रमण्यम ने, हिम चटर्जी ने, या सनत कुमार चटर्जी ने, किसने? तो ये हमारा प्रश्न है आखिरी, और याद रखिएगा रात में 8 बजे हर संडे,
हफ्ते में हर संडे आपको ये वीडियो दिया जा रहा है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, सनत कुमार चटर्जी ने वो चित्र उकेरा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की मैराथन क्लास की वीडियो और उसमें बताए हुए प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। ज़रूर प्यार मोहब्बत दीजिएगा चैनल को और बने रहिएगा, आगे शेयर करते रहिएगा और दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।